तो है गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया गए। आज मैं इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फटाफटनी सिखाने वाला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैनल पे नहीं हो, चैनल को दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ मुझे जो इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर दो। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली पिक्सआर्ट के अंदर अपनी बैकग्राउंड को कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद सिंपल से ऐड फोटो में जाएंगे, अपनी मॉडल को ऐड करेंगे। मॉडल को ऐड करने के बाद इसी थोड़ा बड़ा करके बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे लगा देना है। लगा देने के बाद ऊपर से कर देना है डन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है, इसी पीएनजी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद बड़ा करके नीचे से लगा देना है। सिंपली नीचे से लगा देने के बाद ऊपर से कर देना है डाउन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, इसी दोनों पीएनजी को ऐड करेंगे। दोनों पीएनजी ऐड करने के बाद इसको ऐसे थोड़ा साइड में रखकर इसको इसी साइड पे ऐसे लगा देना है। इसी साइड ऐसे लगा देने के बाद इसी पीएनजी को लेकर वो साइड ऐसे लगा देना है। सिंपली ऐसे लगा देने के बाद ऊपर से कर देना है डाउन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है, इसी रोज पीएनजी दो बार ऐड कर लेना है। दो बार ऐड कर लेने के बाद सिंपली एक को ऐसे आपके ऊपर ऐसे लगा देना है। लगा देने के बाद रेंज में जाकर हाइनेस फुल करके हाथ के ऊपर पार्ट को ऐसे इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद ऊपर से कर देना है डाउन। उसके बाद वो वाला ऐसे छोटा करके, थोड़ा छोटा करके हाथ पे ऐसे लगा देना है। लगा देने के बाद सिंपली फिर से इरेज में जाकर हाइनेस फुल करके हाथ के ऊपर ऐसे इरेज करना है। दोनों पीएनजी को ऐसे हाथ के ऊपर लगा देने के बाद ऊपर से कर देना है डॉन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है, इसी टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपली ब्लेंड में जाकर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपका जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं। मुझे वहाँ अच्छा लगता है तो मैं इसी साइड लगा दूँगा। इसी साइड लगा देने के बाद ऊपर से कर देना है डन। उसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है, इसी टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपली ब्लेंड में जाकर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद ऊपर ऐसे लगा देना है। ऊपर ऐसे लगा देने के बाद डन कर देना है। उसके बाद पिक्सआर्ट के अंदर और कुछ नहीं करना है। हमारा एडिट थोड़ा कंप्लीट हो गया है और थोड़ा कलर एडिटिंग करने के लिए हम लाइटरूम में जाएंगे। उसके बाद सिंपली ड्रॉ में जाकर सेव इमेज कर देना है। तो कलर एडिटिंग करने के लिए हम लाइटरूम में आ गए हैं। उसके बाद अपनी फ़ोटो को कर लेना है ऐड। फोटो को ऐड कर लेने के बाद सिंपल से लाइट पे जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डिक्रीज करेंगे, हाईलाइट थोड़ा डिक्रीज करेंगे, शैडोज थोड़ा डिक्रीज करेंगे, वाइट थोड़ा डिक्रीज करेंगे और ब्लैक थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ब्लैक थोड़ा इंक्रीज कर लेने के बाद कलर पे जाना है। कलर पे आ गए हैं। उसके बाद टीम थोड़ा डिक्रीज कर देना है, टीम थोड़ा इंक्रीज कर देना है। उसके बाद वाइब्रेंस लगभग इतना इंक्रीज कर देना है। सैचुरेशन लगभग इतना रख देना है।
रख देने के बाद सिंपल से मिक्स टूल पे जाएंगे। मिक्स टूल जाने के बाद ऑरेंज कलर पे जाना है, सैचुरेशन लगभग इतना रख देना है, लुमिनेशन इतना रख देना है। उसके बाद येलो टोन पे जाएंगे, सैचुरेशन फुल इंक्रीज कर देना है। उसके बाद ग्रीन टोन में जाना है, सैचुरेशन फुल इंक्रीज कर देना है। उसके बाद सीएन कलर पे जाना है, सैचुरेशन फुल इंक्रीज कर देना है। उसके बाद ब्लू टोन में जाएंगे, ह्यू थोड़ा इंक्रीज करेंगे लगभग इतना। उसके बाद सैचुरेशन डिक्रीज करेंगे। सैचुरेशन डिक्रीज करने के बाद ऊपर से कर देना है टॉन। उसके बाद इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाना जाने के बाद टेक्सचर थोड़ा इंक्रीज कर देना है, क्लैरिटी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। बिगनेट थोड़ा इंक्रीज कर देना है, मिड पॉइंट थोड़ा इंक्रीज कर देना है लगभग इतना। उसके बाद फेदर फुल इंक्रीज कर देना है। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, सिंपली डिटेल में जाएंगे, डिटेल जाने के बाद शार्पनिंग थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, डिटेल फुल इंक्रीज कर देंगे, मास्किंग लगभग इतना इंक्रीज कर देंगे। नोज रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, डिटेल फुल इंक्रीज कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट फुल इंक्रीज कर देंगे, कॉलर नोज रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, डिटेल फुल इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद सिंपली हमारा फोटो एडिट लाइट रूम के अंदर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, हमारा एडिटिंग फुल कंप्लीट हो गया है। ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।